Hi friends, how are you? I hope you all are fine and doing well. आज मैं आपको हमारी आउटसोर्सिंग जर्नी के बारे में बताऊंगा, यानी मैं आउटसोर्सिंग बिजनेस में कैसे आया और 22 इयर्स मैंने आउटसोर्सिंग में कैसे पास किया वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी मैं आपको मेरी पूरी लाइफ आपको बताने वाला हूँ। हम आज भी अपने हुनर में दम रखते हैं, हम आज भी अपने हुनर में दम रखते हैं और होश उड़ जाते हैं लोगों के जब हम महफिल में कदम रखते हैं। दोस्तों, वो डेट थी 25 अक्टूबर 2020, यानी 25 अक्टूबर 2000 की धनतेरस का दिन था। उसी दिन मेरा एक रिलेटिव्स मिस्टर दुष्यंत दीक्षित का मेरे पे धनतेरस पे फोन आया कि हम एक नई कंपनी शुरू करने जा रहे हैं, तो आप वो कंपनी में वर्क करने के लिए इंटरेस्टेड है। मैंने बोला कि अभी मेरी चार्टर अकाउंटेंट की एग्जाम चल रही है, वो एग्जाम खत्म करने के बाद मैं आपको मिलने के लिए आऊंगा। और उसके बाद दिवाली के बाद मैं मिस्टर दुष्यंत दीक्षित को मिलने गया और मैंने वहां जॉब ज्वाइन शुरू कर दी। ऑन 13 नवंबर 2000, यानी 13/11/2000 को अलोंग विद 7 मेंबर्स हमने नई कंपनी शुरू की। उसका नाम था दोषी अकाउंटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। यस दोस्तों, दोषी अकाउंटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। उन्होंने ऑल ओवर इंडिया और गुजरात में फर्स्ट बीपीओ का कंसेप्ट है वो दोषी नहीं लाया, तो हम कह सकते हैं आई एम प्राउड ऑफ द मेंबर ऑफ दोषी अकाउंटिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। आई एम द पिलर्स एंड फाउंडर मेंबर ऑफ दोषी अकाउंटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। दोषी अकाउंटिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में चेयरमैन यानी सीईओ जो कंपनी के ओनर है वो है मिस्टर धीरे दोषी। उसको इंडिया से बहुत लगाव है, वेरी कूल काम पर्सन है और वो उसके सभी एम्प्लॉइज से अपने दिल से ज्यादा चाहते हैं। दोषी अकाउंटिंग में 2000 में कंपनी के चेयरमैन थे इंडिया में मिस्टर दुष्यंत दीक्षित, फिर वाइस चेयरमैन थे मिस्टर परिमल शाह, ऋषभ शाह, वो सब थे, और यूके में धीरेन्द्र दोषी, शिल्पा दोषी और वो सब साथ मिलके वो कंपनी ऑर्गेनाइज करके इंडिया में उन्होंने बीपीओ कॉन्सेप्ट का शुरू किया। आई एम द वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ दोषी अकाउंटिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। वहां मैंने एक अकाउंट असिस्टेंट से जॉब शुरू हुई थी। हमने जब शॉप शुरू किया तो वीकेंड से ऑलमोस्ट 1000 स्क्वायर फुट में हमने हमारा अबाउट 100 या 150 क्लाइंट से बिजनेस यानी यहाँ बीपीओ का प्रोसेसिंग शुरू किया था। आज 22 साल दोषी अकाउंटिंग को हो गए। अब मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि वहाँ मोर देन 5000 क्लाइंट्स होंगे और मोर देन 500 स्टाफ अभी करंटली वर्क कर रहे हैं और मोर देन 30 चार्टर अकाउंटेंट भी दोषी अकाउंटिंग में अभी जॉब कर रहे हैं। यानी अभी वो उसका बहुत नाम दोषी अकाउंटिंग का हो गया है। दोषी अकाउंटिंग 1000 स्क्वायर फुट से आज बीबीसी टावर से आजीगंज में उसने 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th और 9th फ्लोर में अपना एम्प्लॉयज के लिए प्लेस और स्टाफ का रिक्रूटमेंट शुरू कर दिया और वहां फुल्ली वैकेंट है। यानी मैं प्राउड फील कर रहा हूं कि मैंने दोषी अकाउंटिंग में जॉब किया और उसका फाउंडर मेंबर था। दोषी अकाउंटिंग में मैंने 7 साल जॉब किया। उसके बाद 2007 में हमने नई कंपनी शुरू किया, लेकिन दोषी अकाउंटिंग में मैंने अकाउंट असिस्टेंट से एचओडी वीएटी मैनेजर का तक का सफर सक्सेसफुली क्लियर किया। हमने सक्सेसफुली वीएटी डिपार्टमेंट शुरू किया था अलोंग विद 32 पीपल्स वीएटी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे थे। कंपनी ने मेरे को कंपनी की कार दी हुई थी,
फोर लॉयल्टी अवार्ड दिया हुआ था, एप्रिसिएशन लेटर लिया दिया हुआ था, मोमेंटो दिया हुआ था, और उसके अलावा सो मच फैसिलिटीज कंपनी ने मेरे को दी थी। यानी धीरेन्द्र दोषी ने मेरे को रियल लाइफ फाइव स्टार होटल्स, ट्रैवलिंग, ब्लेजर, कपड़े, बेल्ट, फिर ट्रेनिंग, इंग्लिश इम्प्रूवमेंट क्लास, वो सब फैसिलिटीज हमको दी। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दोषी अकाउंटिंग। उसके बाद मैंने 1 जून 2007 को नई कंपनी में ज्वाइन किया, उसका नाम था पीएस अकाउंटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। यूके में उसको देसाइन कंपनी कहते हैं, इंडिया में उसको पीएस अकाउंटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कहते हैं। वो दो पीएस अकाउंटिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड बड़ौदा में हमने शुरू किया। वहां में वीएटी एचओडी था और डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी था। वहां भी हमने कंपनी का ग्रोथ किया और वहां आज की तारीख में मोर देन 1200 क्लाइंट्स है और मोर देन 100 स्टाफ वर्क कर रहे हैं। अभी उसका नेम है एएम अकाउंटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। मैंने 10 साल वहां वर्क किया पीएस अकाउंटिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में एज ए डायरेक्टर एंड एचओडी वीएटी, अलग विद 32 वीएटी स्टाफ एंड 100 स्टाफ कैपेसिटी ऑफ पीएस अकाउंटिंग के साथ मैंने 10 साल काम किया। वहां भी कंपनी ने मेरे को कंपनी की कार दी थी, अवार्ड दिया था, लॉयल्टी दी थी, सो मच फैसिलिटीज कंपनी ने मेरे को दी हुई थी। उस कंपनी का मालिक था मिस्टर बंकिम देसाई, चेयरमैन था दुष्यंत दीक्षित, एंड अलोंग विद 7 कंसल्टेंट हमने वो कंपनी शुरू की थी। बहुत सारा ग्रोथ किया, लेकिन बाद में मैंने वो कंपनी में रिजाइन देके नई कंपनी ज्वाइन की, उसका नाम था QXAS यानी QX अकाउंटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। QX अकाउंटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मैंने 19 जून 2017 को शुरू की यानी ज्वाइन किया QX अकाउंटिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में एज ए सीनियर मैनेजर। मैंने वहां पोजीशन बड़ौदा डिवीजन में ज्वाइन की। QX अकाउंटिंग की ऑल ओवर इंडिया में कई ब्रांचेस है, अहमदाबाद में है, बड़ौदा में है, बॉम्बे में है, दिल्ली में है, कई जगह उसकी ब्रांचेस है। उसके मालिक है मिस्टर क्रिस रॉबिन्सन्स, मिस्टर राजीव भाटिया और दिशांत दिशाई के साथ मेरी मीटिंग फिक्स हुई थी और उसके बाद मैंने एस ए सीनियर मैनेजर वहां ज्वाइन किया था। बाय नेचर क्रिस रॉबिन्सन, राजीव भाटिया और दिशांत देसाई वेरी कूल, काम एंड प्रोफेशनल, हमारे साथ बहुत अच्छी तरह से काम आते थे और हम उसको प्रोफेशनली उसके साथ टचअप रहते थे और वर्क करते थे। वहां मैंने ऑलमोस्ट 15 मंथ्स वर्क किया। अभी आज की तारीख में दिशांत देसाई 3S अकाउंटिंग में और QX में भी वर्क कर रहा है। मिस्टर राजीव भाटिया एनालिटिकल में कंट्री हेड है और क्रिस रॉबिन्सन खुद QX अकाउंटिंग को बिजनेस ऑन करके अभी रनिंग कर रहे हैं। तो मैंने वहां 15 मंथ वर्क किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा यंगर ब्रदर की एक्सीडेंट में डेथ हुई और मैंने वहां वह जॉब छोड़ दिया। उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन किया इनिटर ग्लोबल UK लिमिटेड, यानी 6 सितंबर 2018 से टिल डेट आज तक मैं इंटर ग्लोबल UK में वर्क कर रहा हूँ। वहां मेरी मुलाकात हुई थी मिस्टर राजेश सोडा, वो वाइस प्रेसिडेंट है बड़ौदा ऑफिस के, और उसके थ्रू मेरी मुलाकात हुई मिस्टर विजय जिंजुवाड़िया और उदय रानपुरा, वो दोनों कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और ग्रुप ऑफ कंपनीज भी चला रहे हैं। हमारी दूसरी कंपनी का नाम है जिंजुवाड़िया एंड कंपनी एंड यूनिसन ग्लोबल्स US के अकाउंटिंग और टैक्स रिटर्न्स करते हैं। जिंजुवाड़िया एंड कंपनी इंडिया और UK और कई कंट्रीज के अकाउंटिंग के रिलेटेड वर्क कर रहे हैं और इनिटर ग्लोबल UK के रिलेटेड वर्क कर रहे हैं। मैं इनिटर ग्लोबल UK में ज्वाइन किया, 4 इयर्स से वहां ही जॉब कर रहा हूँ। मिस्टर विजय जिंजुवाड़िया उदय रानपुरा का नेचर बहुत कूल, काम है इमीडिएट, वो अपने एम्प्लॉयज को सपोर्ट करते हैं
और कंपनी इज ग्रोइंग करंटली, बहुत सारा उसने ग्रोइंग किया है। बड़ौदा में भी हमने मिस्टर राजेश सोडा के साथ आई थिंक 6 एम्प्लॉइज से 2017-18 में शुरू किया था, आज मोर देन 35 एम्प्लॉइज इन बड़ौदा में स्टाफ कर रहे, वर्क कर रहे और मोर देन 100 अहमदाबाद में वर्क कर रहे हैं। सो ये थी मेरी टोटल 22 इयर्स की कैरियर्स। मैंने 7 इयर्स दोषी अकाउंटिंग में वर्क किया, 10 इयर्स पीएस अकाउंटिंग में काम किया, 15 मंथ्स क्यूएक्सएस में काम किया और ऑलमोस्ट 4 इयर्स इंटर ग्लोबल यूके में काम कर लिया और कर रहा हूं। ड्यूरिंग द ईयर मैंने क्यूबीओ सर्टिफाइड किया है, जेरो सर्टिफाइड किया है, एमटीडी सर्टिफाइड किया है और वेटकेन सॉफ्टवेयर सर्टिफाइड किया है। हमने दोषी पीएस अकाउंटिंग में हमारा खुद का सॉफ्टवेयर वेटकेन सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली लॉन्च किया है और यूके एचएमआरसी में हमने अप्रूव किया है और अभी भी हमारा वीएट वेटकेन में वो वर्क हो रहा है। कंपनी की तरफ से मेरे को आज तक कई गिफ्ट मिली हुई है, 2 बार 2 कंपनी ने मेरे को कंपनी स्कार दिया हुआ है, कई सारे अवार्ड दिए हुए है। राइट, बाय प्रोफेशन मैंने बीकॉम किया है, डीसीए किया है, एलएलबी किया है, जीडीसीएनडी किया है एंड इंटर सीए किया है। मेरे फैमिली में मेरी वाइफ है वो हाउस वाइफ है, मेरी डॉटर है वो 12th में कॉमर्स में अभी पढ़ रही है, मेरा छोटा बच्चा है वो 6th में अभी पढ़ रहा है। अभी सॉफ्टवेयर में भी मैंने कई कंपनी में कई ज्यादा सॉफ्टवेयर पे काम किया है, जिसमें हम कहते हैं कि हमने किया है आयरिस में वर्क किया है, सीसीएच में वर्क किया है, सेज में किया है, सापा में किया है, सेज लाइन 15 में किया है, सेज 1 में किया है, क्विक बुक्स में किया है, जेरो में किया है, वीटी में किया है, ऑटो एंट्री में किया है, डेक्स में किया है, कैश फ्लो में किया है, केपीएम में किया है, टैक्स कैलसी में किया है, टैक्स फिलर में किया है, इनवॉइस टू गो में भी वर्क किया है, वेट स्कैन में किया है, टैली में किया है और मैनुअल फाइल्स में भी मैंने वर्क किया है। दोस्तों ये मिरर इमेज में ये प्रोफेस वर्क ये बोर्ड है वो आपको प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं उसके आपको इसका फोटो और पीपीटी में भी आपको बताने वाला हूँ। अब तक की मेरी पोजीशन में मैंने डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी अकाउंट असिस्टेंट से एक वीएटी मैनेजर, एचओडी वीएटी डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर, ये सब पोजीशन मैंने हासिल की है। मेरे लिंक इन पे मोर देन 7000 फॉलोअर्स से मैंने 10 इयर्स इंडियन अकाउंटिंग में अंडर द लोगो ऑफ लव अकाउंटिंग सिस्टम यानी लव अकाउंटिंग सिस्टम में मैं फाउंडर और सीईओ था और मैंने 10 साल वहां भी काम किया है, यानी मेरे को 10 साल का इंडियन का और 22 इयर्स का बीपीओ का केपीओ का एक्सपीरियंस है, फर्स्ट इन इंडिया है और फर्स्ट पर्सन मैं हूं जो यूट्यूब पे फ्री में यूके अकाउंटेंट को फ्री में गाइड दे रहा हूं, टीचिंग कर रहा हूं। मैंने लास्ट 22 इयर्स में मोर देन 52,000 वीएटी रिव्यू किए है, ऑडिट किए है और एचएमआरसी ऑफिसर से उसको उसके साथ डीलअप भी किया है। राइट, तो ये मेरा अभी तक का कैरियर है। हमने वीएटी स्कैन भी सक्सेसफुली लॉन्च किया है, उसके अलावा मैं एसओपी भी बनाता हूँ, चेकलिस्ट भी बनाता हूँ, किसी भी क्लाइंट्स की क्वेरी है तो वो भी सॉल्व कर सकता हूँ, एनीथिंग मैं कॉल सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये मेरी आज तक की बीपीओ की जर्नी है, ये सब मैं आपको पीपीटी में आपको बताऊंगा। तो अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज फर्स्ट सब्सक्राइब किए आप कीजिए, आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर यूजर है तो प्लीज मेरे को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और आपको क्या मेरे से आपको सीखने की उम्मीद है वो आप लिखिए तो कमेंट्स में, तो मैं आपको बताऊंगा। और साथ साथ मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि नोटिफिकेशन बेल पे आप क्लिक जरूर कर देना, सो मेरा अपकमिंग वीडियो जो भी आएगा वो आपको मैं ऑन द अपकमिंग वीडियो में आपको बताता रहूंगा। राइट, तो अभी उसके बाद हम हमारी ट्रेनिंग शुरू करेंगे तो वो ट्रेनिंग आप जरूर देखना और दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना।
यही मेरी अब तक की करियर है 22 इयर्स की और 10 इयर्स की इंडियन की। आप आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।